ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं डरे ब्रेव वाइट से, जेफ हार्डी ने की है शेमस की गंदी पिटाई और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन रही। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हमने देखी वो देखी दोस्तों सोनिया वर्सेस मैंडी रोज की फाइट के द्वारा। तो मैच दोस्तों आप जानते हैं काफी समय से बन रहा था, फाइनल दोस्तों हमें यहां बनते हुए नजर आया। शुरुआत के अंदर दोस्तों जो सोनिया है वो पूरी पकड़ बना ली और उन्होंने दोस्तों मैंडी की बहुत गंदी पिटाई कर ली। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंडी रोज की तरफ से भी एक कमबैक देखने को मिलता है, वो दोस्तों सोनिया को बाहर ले जाकर तगड़े तरीके से कूटती है। अंत दोस्तों काफी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से आया है इस मैच का, ये एंगल देखने को मिला कि सोनिया ने दोस्तों एक रोल अप लगाया मैंडी को और उसके अंदर टाइट्स पकड़ ली मैंडी की, यानी कि कच्ची पकड़ ली और उसके चलते दोस्तों जो मैंडी है उनकी पिन हो गई, सोनिया इसमें विजय हो गई। हाँ दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत हुई है हील सुपरस्टार की जीत के द्वारा। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था एक 8-man टैग टीम मैच जो कि हुआ लूचा हाउस पार्टी और आपकी द न्यू डे बनाम फॉरगॉटन सन्स एंड मिज एंड मोर्सन के मध्य। तो आप दोस्तों देखकर ही पता लगा रहे हैं कि इस मैच के अंदर किस टीम के पास एस था। ऑब्वियसली दोस्तों फॉरगॉटन सन्स और मिज एंड मोर्सन तगड़ी टीम लग रही थी और ऐसा ही दोस्तों इसका अंत हुआ है। मिज एंड मोर्सन ने दोस्तों अपना जादू दिखाया और वहां दोस्तों लूचा हाउस पार्टी के एक मेंबर को अपना शिकार बनाया है। वहां दोस्तों मिज ने फिनिशर लगाया है और उसकी पिन कराया है और मैच हुआ है खत्म। मैच के बाद दोस्तों हमें ये चीज भी देखने को मिली कि वहां ब्रीफ स्टे डाउन होता है फॉरगॉटन सन्स के लोंडो और मिज एंड मोर्सन के मध्य, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं चारों टीम्स आपस में भिड़ने वाली मनी इन द बैंक के अंदर, ना दोस्तों स्टेयर डाउन होना लाजमी था। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था किंग कॉर्बिन का बैक स्टेज इंटरव्यू। तो दोस्तों किंग कॉर्बिन बैक स्टेज कायला ब्रैक्सटन के साथ एक इंटरव्यू दिए। इसके अंदर दोस्तों उन्होंने अपने जो ओपोनेंट्स हैं यानी कि जो मनी इन द बैंक के ओपोनेंट्स हैं उन सभी की बेइज्जती की है और इस तरीके से दोस्तों कॉर्बिन का सेगमेंट भी हुआ है खत्म। इसके बाद जो अगली चीज हुई दोस्तों वो था जेफ फ्रिकिंग हार्डी का रिटर्न। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें रेने यंग का रिटर्न देखने को मिल गया। रेने यंग रिंग के अंदर आई, उन्होंने दोस्तों इंट्रोड्यूस किया जेफ हार्डी को। जेफ हार्डी अपने पुराने थीम सॉन्ग के साथ एंट्री मारे हैं, रिंग के अंदर वो आए जहां वो रेने यंग के कुछ एक सवालों का जवाब देते हैं। इसी बीच हमें ये एंगल भी देखने को मिलता है कि जेफ हार्डी की बातों को बैक स्टेज सुन रहे हैं शेमस। तो दोस्तों शेमस बैक स्टेज सुन रहे थे, उन्हें बार बार गुस्सा आया ही जा रहा था। बीच में दोस्तों इतना गुस्सा आ गया कि वो रैंप के ऊपर आ गए, उन्होंने जेफ हार्डी को दोस्तों वहां नशेड़ी बताया। जेफ हार्डी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए उन्हें कॉल्ड आउट किया। वहां दोस्तों शेमस रिंग के अंदर जैसे ही उतरे उनकी गंदी पिटाई वहां हो गई। जेफ हार्डी ने दोस्तों वहां अपने सारे मूव्स उन्हें लगाए, लिटरली सारे के सारे मूव्स, ट्विस्ट एंड फेट भी लगाया, साथ ही साथ अपना फिनिशर यानी कि दोस्तों स्वांटन बॉम्ब भी लगाया और इस तरीके से ये सेगमेंट हुआ है खत्म। जेफ हार्डी का परचम यहां लहराया है, उन्होंने शेमस की गंदी पिटाई करके हमें दिखाया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो आज की स्मैकडाउन की हाईलाइट रील था, यानी कि ब्रे वाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का सेगमेंट। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो रिंग के अंदर आए जहां माइक पकड़कर दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि ब्रे वाइट मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें बोला है, जैसे कि मेरा उस पर एक उधार है और मैं उसकी फैमिली का मेंबर रहा हूं। यहां दोस्तों जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो चीज कहते हैं कि हाँ ये सत्य है कि उसने ही मुझे उपजा है लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई भी उधार नहीं है, तो अगर उसे कोई बात कहनी है तो मेरे मुंह पर वो कहे। इस पर दोस्तों वहां थीम सॉन्ग प्ले होता है शरीफ वाले ब्रे वाइट का, शरीफ वाला ब्रे वाइट वहां आता है जहां दोस्तों हमें रिंग में इन दोनों के मध्य एक तगड़ा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, यानी कि प्रोमो सेगमेंट होता गया है कि सबसे पहले जो ब्रे वाइट है वो चीज कहते हैं कि देखो ब्रॉन झूठ मत बोलो, तुम्हें याद है कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है और साथ ही साथ तुम ये चीज भी जानते हो कि कितना बड़ा उधार तुम्हें चुकाना है। इस पर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि कोई भी उधार नहीं है, अपने से बातें मत बनाओ। अब गाइस जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी है वहां दोस्तों ब्रे वाइट ने माइंड गेम्स का प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने क्या किया कि कहीं से दोस्तों न जाने कहीं से दोस्तों उन्होंने ब्लैक शीप मास्क निकाला और वहां ब्रॉन स्ट्रोमैन को देने की कोशिश किए। ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों ब्लैक शीप मास्क को देखते हैं, वहीं दोस्तों जो पपेट्स है वो टाइट्रॉन के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, वो काफी दबाव बनाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर कि ब्रॉन स्ट्रोमैन उस मास्क को ले ले। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों काफी कूल तरीके से वहां ये चीज कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रही दोस्तों बात उनकी फाइट की, तो वो मनी इन द बैंक के अंदर
उनसे उधार चुकता कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां से निकल जाते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। दोस्तों जो ब्रे वाइट है, जो ब्रे वाइट का डराव है वो बिल्कुल भी काम नहीं आया ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। काफी दोस्तों अजीब सा सेगमेंट था, अगर इसके अंदर थोड़ी सी तोड़फोड़ होती तो ज्यादा मजा आता, लेकिन जो हुआ सो हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों महिलाओं का टैग टीम मैच, जिसके अंदर टमीना और लेसी एवंस ने फेस किया है साशा एंड बेली की टीम को। अब इस मैच की बात करूं तो मैच दोस्तों काफी बढ़िया रहा। इसके अंदर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला अंतिम क्षणों में कि जो साशा बैंक्स है उन्हें टेकआउट कर जाती है लेसी, वहीं दोस्तों जो बेली है उन्हें लगते हैं सबसे पहले एक सुपर किक और उसके बाद समोअन ड्रॉप जो कि लगाती है टमीना, और टमीना दोस्तों वहां पिन कर डालती है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन चैंप की यानी कि दोस्तों आपकी बेली की, और मैच हो जाता है खत्म। दोस्तों टमीना ने एक तरीके की स्टेटमेंट दे दी है मनी इन द बैंक से पहले कि वो वुमन चैंप बन सकती है बेली को हराकर, और एक तरीके से दोस्तों उम्मीद उन्होंने यहां पैदा कर दी है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो काफी वियर्ड, वो था दोस्तों हैकर की तरफ से एक और मैसेज। तो इस बार ही दोस्तों स्मैकडाउन के हैकर ने एक ऐसा मैसेज दिया है जिससे साफ हो चुका है कि उसका अगला टारगेट कौन रहने वाला है। यहाँ दोस्तों हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर बहुत सी टैग टीम्स दिखती है, लिटरली बहुत सारी, और उनमें दोस्तों अंत में हमें सुनाई देती है एक तरीके की ऑडियो जो कि रहती है डेना और कार्मेला की, यानी कि दोस्तों जो ये हैकर है ये टारगेट कर रहा है इनकी टीम को, और जल्द हमें कार्मेला और डेना के मध्य ब्रेकअप होता हुआ नजर भी आ सकता है। यहाँ दोस्तों इस तरीके से इस हैकर ने आज हमें दमकम दिखाया अपना। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोग देखने को मिली है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस आज की स्मैकडाउन का जो मेन इवेंट रखा गया था वो था दोस्तों एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, जहां दोस्तों एक तरफ टीम थी आपके शिंस्के नाकामुरा, सिजारो एंड किंग कॉर्बिन की, वहीं दोस्तों उनके खिलाफ थे आपके डेनियल ब्रायन, ड्रू गुलक और एक मिस्ट्री ओपोनेंट। तो यहाँ दोस्तों सभी को लग रहा था कि अलायस ऐसे मिस्ट्री ओपोनेंट अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन दोस्तों मिस्ट्री ओपोनेंट कौन निकलते हैं, ओटिस निकलते हैं। ओटिस दोस्तों वहां आए, मैच शुरू हुआ, मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले चीज देखने को मिली कि दोनों ही टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन दोस्तों अंत इस तरीके से आता है कि जो आपके रेसलर्स है यानी कि डेनियल ब्रायन और ओटिस वो बाहर पिट चुके हैं, ड्रू गुलक रिंग में अकेले बचे हैं, जिन्हें दोस्तों डीप सिक्स लगता है, किंग कॉर्बिन उन्हें डीप सिक्स लगाते हैं और उनकी हो जाती है पिन, और इस तरीके से हील टीम यहां विजय रहती है। इसके बाद दोस्तों हमें असली एक्शन देखने को मिला जो कि रियलिटी में मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था। हुआ क्या है कि ये छः के छः आपस में भिड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते दोस्तों कई रेसलर्स बाहर चल जाते हैं, किंग कॉर्बिन वहीं खड़े रहते हैं जो कि लैडर पर चढ़कर एक तरीके की स्टेटमेंट देना चाहते थे, वो लैडर अंदर ले जाते हैं, लैडर लगाते हैं, वहां दोस्तों डेनियल ब्रायन आ जाते हैं, डेनियल ब्रायन को पीटते हैं, फिर वहां ओटिस आ जाते हैं, वो ओटिस को पीटते हैं, फिर दोस्तों फिर से चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर डेनियल ब्रायन कोशिश, फिर ओटिस की कोशिश, अंततः दोस्तों किंग कॉर्बिन दोनों को टेकआउट कर ही जाते हैं, और फिर दोस्तों लैडर के ऊपर चढ़ते हैं, ब्रीफ केस निकालते हैं और ये चीज दिखाते हैं कि वो यहां मनी इन द बैंक के अंदर जीतेंगे और दो बार मनी इन द बैंक विनर रहेंगे। तो यहां दोस्तों सवाल भी यही पूछा गया है, माइकल कोल ने यही सवाल पूछा है कि क्या लगता है क्या वाकई में किंग कॉर्बिन दो बार मनी इन द बैंक जीतेंगे, आपको क्या लगता है कौन इस बारी के मनी इन द बैंक को जीतने वाला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।